क्या चिराग पासवान से रोशन हो पाएगा एनडीए? उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी की दलितों पर नजर, जानिए क्या होगा चिराग पासवान का अगला कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। दिल्ली में आगामी 18 जुलाई को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की बैठक होने वाली है। इससे पहले उन पार्टियों के लिए फैसले की घड़ी है जिनके इस गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार के पटना में हुई लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी की बैठक में गठबंधन को लेकर फैसले का अधिकार चिराग पासवान को दे दिया गया है। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में गठबंधन पर फैसले के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। समय समय पर कई मुद्दों पर मैंने बीजेपी का समर्थन किया। बिहार में विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी के लिए मैंने प्रचार भी किया था। साल 2022 में हम किससे गठबंधन करेंगे यह जल्द तय कर लिया जाएगा। भले ही चिराग ने आज एनडीए में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन इशारों में उन्होंने बता दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा। उधर गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय ने चिराग की पार्टी की बैठक से ठीक पहले उनसे मुलाकात करके संकेत दे दिया कि अब चिराग की घर वापसी तय है। बिहार में कयास ये भी लग रहे हैं कि चिराग मोदी सरकार के विस्तार के दौरान कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चिराग ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में दूरी आ गई। उस वक्त बीजेपी ने चिराग के चाचा का साथ दिया, लेकिन शायद अब बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि रामविलास पासवान की विरासत की नुमाइंदगी चिराग पासवान ही करते हैं। उनका लौटना बिहार के दलित वोटरों को एनडीए की तरफ जोड़ सकता है, क्योंकि दलितों के एक और बड़े नेता जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। बिहार में दिल्ली आबादी करीब 16% है। राज्य की 40 में से 13 सीटों पर दलित वोटर बेहद असरदार हैं। इन 13 सीटों पर दलित आबादी 3 लाख से ज्यादा है। बिहार की 6 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। साल 2019 में सभी 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। दलित नेताओं के अलावा बीजेपी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक पिछड़े नेताओं को भी जोड़ने में लगी है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के भी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के भी एनडीए में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि अंतिम तस्वीर 18 जुलाई यानी एनडीए की बैठक के दिन ही साफ होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।